अगर आप 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे एम एग्जाम में बैठने वाले हैं और अपने इंग्लिश के प्रिपरेशन को फाइनल टच दे रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं एम से रिलेटेड इंग्लिश के सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आपको कुछ ऐसे सटीक क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताऊँगा जो निश्चित रूप से एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा हेलो एवरीवन मैं हूं भुनभाष का मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर इस चैनल को करें सब्सक्राइब बेल आइकन को पेश करें आइए शुरू करते हैं डिरेक्शंस क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सिक्स तक आपको क्या करना है चूज द अल्टरनेटिव विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड आपको ऐसे अल्टरनेटिव को चूज करना है जो सिमिलर इन मीनिंग हो यानी सिनोनिम्स हो दिए हुए मीनिंग का सिमिलर हो ओके आइए फर्स्ट वर्ड को डिस्कस करें एफ्रंट ए डबल ए फॉर ओ एन टी एफ्रंट का मतलब क्या होता है एफ्रंट मीन्स होता है किसी का इंसल्ट करना किसी को अपमानित करना ओके okay? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी आंसर हो जाएगा डी क्योंकि ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना वेल्थ का मतलब होता है धन कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा और यहाँ एफ्रंट का मतलब होता है इंसल्ट सेकेंड जो वर्ड है वो है एगॉग एगॉग देख लीजिए चार ऑप्शंस दिए हैं ईगर रिल्यूक्टेंट काम नन ऑफ देम यहाँ एगॉग का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्सुक वेरी एक्साइटेड वेरी ईगर तो ईगर का मतलब होता है उत्सुक एगॉग का मतलब होता है वेरी ईगर क्यूरियस सी यू आर आई ओ यू एस क्यूरियस यानी उत्सुक और रिलिकटेंट का मतलब होता है अनिच्छुक काम मीन्स होता है शांत बहुत ज्यादा इसलिए ए ऑप्शन होगा थर्ड जो वर्ड है वो है एबनीगेट एबनीगेट का मत एबनीट के लिए देखिए चार ऑप्शन है एक्सेप्ट ओबे रिजेक्ट और एडमायर एबनीगेट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना रिजेक्ट यानी कैंसिल कर देने के सेंस में सी ए एन सी ई एल कैंसल ठीक है इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट right आंसर है क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना ये तो ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा ओबे मींस आज्ञा मानना अब फी एंड फी एंड मींस देखिए फी एंड का चार ऑप्शन है एंजल क्रूएल गॉड और नन ऑफ देम यहाँ जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है क्रूएल फी एंड का मतलब होता है क्रूएल वेरी बारबेरश वेरी क्रूएल फिफ्थ जो है वर्ड है वो है इनिमिकल इनिमिकल के लिए चार ऑप्शन हैं हेल्पफुल इनफॉलिबल इंज्यूरियस और सिंफुल हेल्पफुल का तो मतलब होता है मदद करने के नेचर वाला हेल्पफुल मददगार इनफॉलिबल का मतलब होता है वैसा जो कभी गलती ना करे जो जिससे कभी गलती नहीं होती है इनफॉलिबल का लाता है इंजूरियस का मतलब होता है वेरी हार्मफुल और सिनफुल का मतलब एविल एविल एक्ट सिनफुल एक्ट इसलिए इनिमिकल का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है इंजूरियस इंजूरियस यानी कि वेरी हार्मफुल एच ए आर एम एफ यू एल का मतलब हार्मफुल और इसका जो है है वो है injurious. Parless. Parless का मतलब देखिए चार ऑप्शन है adamant, गुड बैड और क्यूरियस एडमंट का मतलब होता है अड़ियल गुड का मतलब अच्छा बैड मीन्स बहुत बुरा और क्यूरियस मीन्स उत्सुक ईगर ओके okay? तो यहां पार्लस का जो मतलब है वो है harmful. एच ए आर एम एफ यू एल हार्मफुल या आप कहें सॉरी हार्मफुल नहीं बल्कि कहें कि बैड एंड अनसर्टेन बैड एंड अनसर्टेन अन सी ई आर टी ए आई एन बैड एंड अनसर्ट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई भी सिचुएशन अगर बहुत बैड हो और अनिश्चित हो तो उसके लिए पैरलस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर सेवन टू ट्वेल्व मतलब क्वेश्चन नंबर सात से लेके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक चूज द अल्टरनेटिव विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड अब आपको सेवन से लेके ट्वेल्व तक आपको अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स वर्ड को ढूंढना है दिए हुए ऑप्शन से आइए सेवेंथ वर्ड को देखें कैंडिड अब कैंडिड के लिए यहाँ चार ऑप्शन हैं अनकाइंड ब्लंट, वैलिड और डिजोनेस्ट सबसे पहले ये पता लगाना है कि कैंडिड का मतलब क्या होता है कैंडिड मतलब होता है फ्रैंक और नोटिसेबल कैंडिड ओपिनियन आपका फ्रैंक और नोटिसेबल ओपिनियन चाहिए हमको कैंडिड मीन्स फ्रैंक और ऑनेस्ट ओपिनियन सॉरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ऑप्शन डी है डिजोनेस्ट वो इसका सही ऑप्शन होगा कैंडिड का जो ऑपोजिट वर्ड है वह है डिजॉनेस्ट एविडेंट एविडेंट का मतलब होता है बिल्कुल ही स्पष्ट एविडेंट मीन्स अस्पष्ट यानी ऑबवियस ऑब्वियस और नोटिसेबल तो यहाँ देखिए यहाँ अननोटिसेबल, ए में बी में ऑब्जर्व्ड सी में सिन और डी में कैलकुलेटेड जाहिर सी बात है कि एविडेंट का मतलब जब स्पष्ट होता है तो अनोटिसेबल ए ही ऑप्शन होगा ब्राउनिंग ब्राउनी के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन हैं स्विफ्ट बी में वीक सी में स्ट्रोंग और डी में पेल अब आपको पता लगाना है कौन सा सही है ब्राउनी का मतलब होता है मसल्ड जिसका मसल तगड़ा हो मसल्ड और स्ट्रोंग तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा वीक यानी बी ऑप्शन सही है कमज़ोर ब्राउनी मीन्स मसल्ड और स्ट्रॉन्ग और उसका ऑपोजिट होगा वीक कमज़ोर टेन एक्स्ट्रा वैगेंट एक्स्ट्रा वैगेंट के लिए चार ऑप्शन है सेंसिबल बी केयरफुल सी इकोनॉमिकल और डी बैलेंस्ड एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला वन हु स्कॉन्डर्स मनी थॉटलेसली, बिना बेचारे पैसा खर्च करता है तो उस उसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा इकोनॉमिकल यानी सोच समझ कर पैसा खर्च करने वाला फ्लॉन्ट फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना यानी दिखावा करना आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो दिखाने लायक है तो आप उसको दिखाते हैं ताकि आप इम्प्रेशन बना सकें उसको फ्लॉन्ट बोलते हैं देखिए रिगार्ड ए ऑप्शन रिगार्ड बी सिंक सी हाइड और डी प्रपोज अब जाहिर सी बात है कि फ्लॉन्ट का मतलब जब शो so ऑफ है तो उसका ऑपोजिट हाइड यानी छुपाना ही होगा सेगेस सेगेस के लिए चार ऑप्शन है फुलिस बी इंटेलिजेंट सी थॉटफुल और डी इंट्यूटिव अब सेगेस का मतलब होता है विचारवान यानी थिंकिंग करके काम करने वाला इंटेलिजेंट तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन ए फुलिस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सेगेस का ऑपोजिट होगा फुलिस इंटेलिजेंट तो साइनोनीमस वर्ड हो जाएगा आइए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करें ईडियम्स एंड फ्रेजेज पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखें द दे कैरोट एंड स्टीक अप्रोच कभी कभी द लगा भी देते हैं कभी द को ऑमिट भी कर देते हैं द कैरोट एंड स्टीक अप्रोच इसका मतलब क्या होता है ए ऑप्शन है फेयर एंड फॉल बी कंटिन्यूस विजिलेंस सी डेमोक्रेटिक और डी रिवार्ड एंड पनिशमेंट अब थोड़ा इस पर आप ध्यान दें द कैरोट एंड स्टीक अप्रोच कैरट का मतलब होता है गाजर और स्टीक का मतलब होता है डंडा यानी कि गाजर खिलाना या डंडा देना गाजर खिलाना या डंडा देना यानी अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसको गाजर खिलाएंगे नहीं करेगा तो उसको डंडे से पीटेंगे यानी जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी रिवार्ड एंड पनिशमेंट होगा या तो गाजर खिलाना या डंडे से पीटना यानी रिवार्ड देना या फिर पनिशमेंट देना रिवार्ड एंड पनिशमेंट सेकेंड टू कट योर टीथ ऑन टू कट योर टीथ ऑन के लिए चार ऑप्शन हैं To gain experience, to try to sharpen your wits, to earn a decent salary, to cut your teeth का मतलब होता है टू गेन एक्सपीरियंस गेन एक्सपीरियंस यानी अनुभव हासिल करना जब आप कोई नया काम कर रहे हैं तो कहते हैं टू कट योर टीथ ऑन यानी अनुभव गेन कर लो फॉल फ्लैट फॉल फ्लैट के लिए चार ऑप्शन है to fail to stand b to fail to realize c to fail to produce intended effect or to fail to maintain fall flat का मतलब होता है बेअसर हो जाना यानी काम नहीं करना ठीक है तो यहाँ बेअसर होने के लिए है to fail to produce intended effect यानी इंटेंडेड जो इफेक्ट हम चाहते थे वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाया तो ऑप्शन c इसका आंसर होगा फोर्थ टू बी इन वंस bonnet, अब ध्यान इसके लिए चार ऑप्शन है टू बी क्रेजी टू बी फ्रैंक टू बी फुलिस और टू बी प्राउड अब बोनेट का मतलब होता है गाड़ी के आगे का हिस्सा बोनेट आप बेहतर जानते हैं तो टू बी इन वंस बोनेट यानी बोनेट में होना अपने बोनेट में होना जाहिर सी बात है कि जब बॉनेट में होगा तो वो आदमी बिल्कुल ही क्रेजी होगा बिल्कुल क्रेजी टू बी इन वंस बोनेट का मतलब टू बी क्रेजी ओके आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्पॉटिंग द एरर, एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखें फर्स्ट क्वेश्चन है आवर वैकेशन इज ए बिटवीन ट्वेल्थ मई, बी टू ट्वेल्थ जून सी नो एरर अब आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से एरर कहाँ है या डी नो एरर है अब यहाँ ध्यान से देखने में पता चलता है कि द वैकेसन इज बिटवीन ट्वेल्थ में टू ट्वेल्थ जून यानी वैकेशन जो है वो बारह मई से ये, बारह मई से बारह जून तक है बारह मई से बारह जून तक और जब बारह मई से बारह जून तक यानी इतने से इतने तक होता है तो हम बिटवीन के जगह फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम इतना टू इतना यानी फ्रॉम ट्वेल्थ में टू ट्वेल्थ जून इसलिए यहाँ बिटवीन नहीं होगा जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी में ही मिस्टेक है एरर है सी सेकेंड क्वेश्चन देखें द स्ट्रीट्स द स्ट्रीट्स ए आर सो वेट बी इट शुड एरर अब इसमें पता लगाना है कि एरर कहाँ है या फिर नो no एरर है ध्यान से पढ़िए द स्ट्रीट्स आर सो वेट गलियां इतनी भीगी हुई हैं कि ये जो गली है वो गलियाँ जो है वो इतनी भीगी हुई हैं कि इट शुड हैव रेंट लास्ट नाइट कि गत रात यानी पिछले रात बारिश ज़रूर हुई होगी तो यहाँ ज़रूर हुई होगी डिफिनिट इन्फरेंस यानी डिफिनट कंक्लूजन के लिए निष्कर्ष यहाँ बताया जाता है कि गलियाँ इतनी भीगी हुई है कि अवश्य ही पिछले रात बारिश हुई है ठीक है तो यहाँ शुड हैव के जगह मस्ट हैव होना चाहिए मस्ट हैव व की जगह मस्ट हैव होना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सी में मिस्टेक है इट मस्ट हैव रेंट लास्ट नाइट अब थर्ड क्वेश्चन को देखें द इंडियन फोर्स ए ड्रोव अवे बी द चाइनीज सी नो एरर यानी द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज अब यहां ध्यान से देखने पर पता चलता है कि भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को भगा दिया यानी खदेड़ दिया ड्राइव अवे कर दिया भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को चाइना के सैनिकों को खदेड़ दिया अब यहाँ जब फोर्स का मतलब है सैनिक यानी आर्मी मिलिट्री यहाँ फोर्स फोर्स से मतलब है मिलिट्री आर्मी तो जब मिलिट्री या आर्मी होता है तो हम फोर्स की जगह एफ ओ आर सी ई एस फोर्सेज लिखते हैं फोर्स नहीं लिखते हैं और फोर्सेज का मतलब होता है द मिलिट्री द आर्मी नेवी ए ए एयर फोर्स वगैरह वगैरह तो फोर्सेस का मतलब यहाँ सेना है तो द इंडियन फोर्स की जगह द इंडियन फोर्सेस होगा जाहिर सी बात है कि ए में ही मिस्टेक है अब आइए इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे बेस्ट क्वेश्चन को देखें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विल यू काइंडली ओपन द नॉट विल यू काइंडली ओपन द knot? क्या आप कृपा करके नॉट यानी गांठ को खोल देंगे यहाँ नॉट गांठ को खोलने के लिए जो वर्ड है वो ओपन कभी भी नहीं होता है ओपन द डोर ओपन द बुक ओपन ए स्कूल लेकिन गांठ खोलने के लिए अनटाई वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रेक का मतलब तो हो जाएगा तोड़ना लूज का मतलब होता है ढीला और डी तो होगा ही नहीं इसलिए अनटाई द नॉट ये सही ऑप्शन है सेकेंड देखें वी डिड नॉट सी द मूवी येट हम लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखा अब येट का मतलब होता है अभी तक तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखा है तो देखा है यानी जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा कि हम लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखा है क्योंकि येट का मतलब होता है अभी तक या अभी भी तो हैव सीन तो होगा नहीं बी में हैव है नॉट सीन और सी में है हैज सीन डी में है नो no इम्प्रूवमेंट तो अभी तक या अभी भी इस मूवी को नहीं देखा है येट का मतलब अभी तक तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बी हैव नॉट सीन यानी वी हैव नॉट सीन दिस मूवी येट यही सही ऑप्शन होगा हैव नॉट सीन थर्ड देखें दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज़ एडमिट्स ऑफ का मतलब होता है स्वीकृति देना यानी ये जो मामला है वो एक्सक्यूज़ यानी किसी भी तरीके के बहाना को स्वीकृति नहीं देता है यानी बहाना नहीं चलेगा तो यहाँ चार ऑप्शन है एडमिट्स टू एडमिट्स फ्रॉम एडमिट्स और नो इम्प्रूवमेंट तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है कि इस मैटर में कोई भी बहाना नहीं चलेगा दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज़ एडमिट्स के साथ ऑफ ही आता है इसलिए ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट जो है वो सही है इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा अब आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन को देखें वन हु इज़ली बिलीव्स एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर लेता है इज़ली बिलीव कर लेता है ऑप्शन देखिए क्रेडुलस, बाईगॉट एलियन और इनक्योरेबल अब क्रेडुलस का मत क्रेडुलस मीन्स होता है जल्दी से विश्वास कर लेने वाला क्रेडुलस यानी ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि बाइगॉट एलियन एलियन का मतलब होता है जो बाहर से दूसरे प्लानट से आया है इनक्योरेबल का मतलब होता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकते वैसा रोग वैसा इलनेस जिसको क्योर नहीं किया जाए इनक्योरेबल हो गया सेकेंड देखें दैट विच कैनॉट बी ब्लॉटेड वो चीज़ जिसे मिटाया नहीं जा सके ब्लॉटेड मिटाया नहीं जा सके जैसे जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आपके उंगलियों पे एक स्याही का निशान लगा दिया जाता है वो ब्लॉट जल्दी नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे इनकॉरिजिबल इनक्योरेबल इनडेलिबल या इन ऑडिबल अब आप देखिए जिसे मिटाया नहीं जा सके अब ऑप्शन को समझते हैं इनकोरिजिबल का मतलब होता है बियॉन्ड रिपेयर यानी जिसको रिपेयर नहीं किया जा सक सके सुधारातीत इनक्योरेबल का मतलब होता है दैट विच कैनॉट बी क्योर्ड यानी वैसी बीमारी जिसे ठीक नहीं किया जा सके क्योर नहीं किया जा सके, सके तो इनक्योरेबल हो गया इनडेलिबल का मतलब होता है दैट विच कैनॉट बी ब्लॉटेड यानी जिसको मिटाया नहीं जा सके ऑप्शन सी ही राइट right आंसर है क्योंकि इन ऑडिबल का मतलब होता है ऑडिबल मतलब होता है सुनने लायक मतलब विच cannot बी हर हियर्ड जिससे सुना जा सके और इन in, इनऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना नहीं जा सके विच cannot बी हियर्ड ओके तो आज के लिए बस इतना ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद